स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस दो तीन दिन से वीडियो की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है, लेकिन उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा बिजी चल रहा था। एक दो दिन के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा रेगुलर वीडियो जो है वो आने लग जाएंगी चैनल पे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ रियलमी 7 प्रो के नेक्स्ट अपडेट की, इसके अंदर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कौन सा आने वाला है, कौन सा वर्जन होगा, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर हो सकते हैं और मेन बात कब वो आ सकता है। तो दोस्तों अभी मेरे पास 3-4 दिन से काफी सारे लोगों के मैसेज, काफी सारे लोगों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि भाई Realme 7 Pro के अंदर लेटेस्ट अपडेट कब आएगा। तो गाइस ये वीडियो एंड तक देख लेना, आपकी काफी ज्यादा क्वेरीज जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपकी कवर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। मैं काफी सारे कमेंट्स जो वो नोट करता हूं जिसमें काफी सारे लोग कहते हैं भाई Realme 7 Pro पे अब वीडियो मत बनाओ, बट ऐसा नहीं होने वाला, ये रियलिटी है गाइस। मेरे पास जब तक Realme 7 Pro है, जब तक ये चल रहा है, जब तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहे हैं, तब तक Realme 7 Pro से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पे आती रहेंगी। तो अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की, भाई कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है नेक्स्ट। अगर मैं बताऊं आपको करंट सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है, तो इसमें चल रहा है C.23 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है और A.41 वालों को भी C.23 ही मिला था। इसका मतलब ये है कि A सीरीज और C सीरीज अब जो है वो कन्वर्ट हो गए, सिर्फ और सिर्फ C सीरीज चलेगी Android 11 पे, C.24, C.25 जो भी अब नेक्स्ट अपडेट्स आने वाले हैं। तो C.23 के बाद अब जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है वो C.24 आने वाला है। और गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि मंथ का एंड चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, लास्ट डेट है मंथ की। तो काफी सारे लोगों के DMs आने लग गए हैं कि भाई इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कब आएगा, क्योंकि Realme का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है Realme 7 Pro के अंदर वो ये है कि भाई इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो मंथ के लास्ट वीक के अंदर ही आता है। लेकिन इस मंथ में Realme 7 Pro के अंदर दो मेजर अपडेट आए थे। नॉर्मली इसके अंदर एक मेजर अपडेट होता है और एक नॉर्मल नॉमिनल अपडेट जिसे हम कह सकते हैं, जो सिर्फ नाम का अपडेट होता है वो आता है। लेकिन इस मंथ जो है इसके अंदर मेजर अपडेट आने की वजह से अब जो इसके अंदर नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, जो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक के अंदर आ जाना चाहिए था अगस्त में, वही बात निकल के सामने आती है। क्योंकि इसका जो C.23 का जो अपडेट था वो सबसे पहले आई थिंक 16 जुलाई के आसपास ये आ गया था। आपको पता है कि भाई एक मंथ के गैप के अंदर Realme 7 Pro के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आता ही आता है, भले उसके अंदर कुछ चेंजेस हो या ना हो, उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आता ही आता है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, मेरा जो बेस्ट गेस कहता है, और आप सभी को पता है कि मेरा बेस्ट गेस जो है वो 90% के आसपास जो है वो करेक्ट रहता है। तो जो मेरा बेस्ट गेस कहता है वो सेकंड वीक से लेकर थर्ड वीक के अंदर अंदर इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई भाई सेकंड वीक से थर्ड वीक, अब गाइस एग्जैक्ट डेट अगर आप जानना चाहते हो तो वो आपको कहीं भी पता नहीं लगेगी। इवन अगर आप Realme से ऑफिशियली अगर आप पूछ लोगे कि भाई एग्जैक्ट डेट कब की है इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो वो भी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। बट ये कि हाँ, मैं ये आपको एक बेस्ट गेस बता सकता हूँ। अब बात करते हैं C.24 के अपडेट के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहला तो यही है कि इसके अंदर सिक्योरिटी पैच आ जाएगा जुलाई का। अभी इसके अंदर जून का सिक्योरिटी पैच चल रहा है, जुलाई मंथ चल रहा है और जून का सिक्योरिटी पैच है, तो इसके अंदर अब जुलाई का सिक्योरिटी पैच आने वाला है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद वही फिक्स सम नोन इशू और वही सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस यही वाला होने वाला है। उसके बाद जो मेजर जो चेंजेस, मेजर जो इंप्रूवमेंट होने वाला है जहां तक मुझे लगता है, वो है इसके बैटरी बैकअप में। C.23 के अपडेट के बाद इसके अंदर ड्रास्टिकली बैटरी बैकअप के अंदर चेंज आया था, भाई मुझे तो पर्सनली फील हुआ है, काफी सारे लोगों को फील हुआ है, काफियों को नहीं भी हुआ, क्योंकि हर बंदे का फोन यूज करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई बिल्कुल कम यूज करता है, कोई मॉडरेट में करता है, कोई हैवी यूजेस भी करता है। तो मुझे लगता है कि बैटरी बैकअप के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो नेक्स्ट अपडेट के अंदर देखने को मिल सकती है। और गाइस एक चीज और, वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है जो ओप्पो के कलर ओएस के अंदर आ चुका है, ओप्पो A5 के अंदर आ गया है, ओप्पो का इतना पुराना मॉडल है उसके अंदर आ चुका है। तो Realme 7 Pro के अंदर रैम एक्सपेंशन कब आएगा, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं यार, काफी सारे लोग मतलब बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे डीएम्स मेरे पास आते रहते हैं कि इसके अंदर रैम एक्सपेंशन कब आएगा। तो क्या मुझे उम्मीद है कि C.24 के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये 50-50% चांस है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रूमर या फिर कुछ भी लीक कहीं से निकल के नहीं आया है जिसमें ये पता लग रहा हो कि इसके अंदर रैम एक्सपेंशन आने वाला है। हाँ आएगा जरूर, ये गारंटी है, लेकिन इस अपडेट के अंदर आ जाएगा C.24 के या फिर C.25 में आएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। आई थिंक Realme 8 के अंदर आ चुका है शायद, और X7 के अंदर भी आ चुका है, गारंटी नहीं है, शायद आ गया है,
तो अगर उन दोनों के अंदर आ गया तो गाइस हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर C.24 के अंदर इसके अंदर जो है रैम एक्सपेंशन जो है वो आ सकता है। तो गाइस ये कुछ मेजर जो पॉइंट्स थे वो नेक्स्ट अपडेट से रिलेटेड मेरे को अपनी वीडियो के अंदर कवर करने थे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आपकी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट कर देना या फिर आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं वहां पर प्रॉपर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।